बैक माई यूट्यूब चैनल एंड गुड आफ्टरनून बिकॉज दोपहर का टाइम हो गया है एंड गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ अपना बैंगल कलेक्शन। सो गाइज, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने एक बार ये वीडियो शूट कर लिया है एंड आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया था अपना बैंगल्स कलेक्शन। तो भाई, जब स्टार्ट न्यू चैनल है तो न्यू वीडियो भी आनी चाहिए एंड मैंने पहले शूट किया हो या ना किया हो बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। सो गाइज, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपने सारे बैंगल्स कलेक्शन। चूड़ा होगा, बैंगल्स होगा एंड कड़ा होगा, सारे जितने अभी तक मेरे पास हैं उसमें आधा होगा ही एंड अभी कुछ बेड में है तो बेड खोलने का मन नहीं है, अंदर है बट कोई नहीं, कभी और शेयर कर दूंगी। एंड गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सो ये है मेरा फर्स्ट सूट, अरे चूड़ी केस, ये बहुत हैवी है। इसमें सिर्फ मैं अपने डेली वर्क नहीं रखती हूँ, सिर्फ अपने पार्टी वेयर इसमें चूड़ियाँ रखती हूँ। यहाँ से ओपन होता है, खजाना काफ़ी, इसमें सारे खजाने भरे होते हैं खाने वाले, जो सिर्फ मैं खाती हूँ। चोट ना जाए, डर लग रहा है। सो गाइज, मैं एक एक करके आप सभी के साथ, बहुत प्रॉब्लम होती है यार वीडियो शूट करने में, आप सब प्यार भी नहीं देते और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। सो एक मिनट, मैं भी आती हूँ कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ एंड कुछ आइडिया लगा ली हूँ, टेबल रख ली हूँ अपने बगल में, मैं चेयर बैठी हूँ एंड आज मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बैक कैमरा कोई होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दिखेगा नहीं दिखेगा कब ऑफ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करती हूँ एंड सो मेरा फर्स्ट, मैं आपको चूड़ा दिखा रही हूँ, कुछ चूड़ा है कुछ चूड़ी है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट चूड़ा बैंगल्स, इसका मैंने इसमें ये रखा हुआ था पहन लिया हुआ इसलिए थोड़ा स्पेस में हो गया। तो ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो शादी जब फिक्स हुआ था तो मैंने मीशो से यूज़ ऑर्डर किया था। तो बट गाइज, अभी तक मैंने इसको एक बार भी वेयर नहीं किया है बिकॉज एक बार बस थोड़ा सा, बस आधे घंटे के लिए मैंने इसे यूज किया था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये जो पेच लगा हुआ है ना, इसमें कपड़े फंस के फटते हैं। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी ऑर्डर ना करें, ये मुझे 500 में पड़ा था, बिल्कुल 500 मेरा वेस्ट गया है और बिना पहने, जब इसका ये हाल है, अभी मैंने पहना भी नहीं है और इसके चूड़े के छूट रहे हैं, रखे रखे सिर्फ, तो इसलिए मैं इसको वेयर नहीं करती और बहुत गंदे भी लगते हैं मुझे, ये अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, ये मैं यूज कर सकती हूँ कभी वेलवेट वाला, बट अब मैं कान पकड़ती हूँ कि ऐसे इस टाइप की चूड़ी मैं कभी ऑर्डर नहीं करूँगी। उस समय बहुत ट्रेंड में चलता था, जब मेरी शादी फिक्स हुई थी ना 2022 में, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये दिसंबर में, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। बट ये बहुत थोड़ी गलती थी मेरी और मैं आज के बाद कभी भी नहीं करूँगी। और ये है कड़ा, जो चूड़ा मम्मी लाई थी मुझे बनारस से, तो ये है चूड़ा, ये प्यारा लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है। एंड ये दूसरे का सेट है, ये भी दूसरे का सेट है, ये चूड़े हैं सिर्फ, ये चूड़ा मम्मी ने लाया था, ये मम्मी लाई थी मेरी शादी में चढ़ाई थी और ये बहुत प्यारा चूड़ा है। तो जल्दी लिख दिखा देती हूँ। और ये रहा मेरा सेकेंड, सो फ्रेंड्स, ये मेरा, ये मैंने मम्मी, मेरी गांव वाली मम्मी ने दिया था, मेरी मम्मी ने दिया था, सासू मम्मी ने, और इसका ये सेट है। मैं सेट लगा के नहीं रखती हूँ बिकॉज कभी भी मैं सेट चूड़ी पहनती नहीं हूँ, मुझे जब कभी मैच करना हो तो मैं साड़ी अक्सर मैं चूड़ी मैच करके पहनती हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से नहीं रखी हूँ। ये सारे मैच वाले उन्होंने सेट दिया था, मैंने सेट इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं जब मन करता है तब मैं किसी का सेट किसी में लगा के पहन लेती हूँ, तो कुछ इस रीज़न के कारण मैं सेट चूड़ी नहीं रख पाती हूँ, इसी तरह बिखरा रहता है मेरा चूड़ी, बट कोई नहीं, काम चला लेती हूँ मैं। एंड मुझे ये समझना है, मेरी सामान है, मैं जब रखी हूँ मुझे जब समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे कौन सी साड़ी कौन सी चूड़ा कब क्या पहनना है तो सही है, क्योंकि हमें ही हैंडल करना है हमारे सारी चीज़ें। तो गाइज, ये है मेरी कुछ चूड़ियाँ, ये मम्मी ने इस बार दिया था मुझे तीज पे, मेरे सूट के कलर का है ये सूट जो मैंने राखी पे पहना हुआ था, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, वीडियो नहीं डाला था बट फोटो था मेरे पास, इंस्टा पे है। एंड ये है मेरी कुछ चूड़ियाँ, तो ये रही मेरी चूड़ियाँ और मैं इसे रख देती हूँ बिकॉज मैं एक एक करके नहीं बता सकती बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि चूड़ी कौन सी चूड़ी क्या होती है, किसके सेट का क्या होता है, बस मुझे चूड़ा पसंद है और जो साड़ी में बहुत ज़्यादा चूड़ा पहनते हैं शादी के, शादी में
हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। और चूड़ी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, कड़े एक एक मैं डाल लेती हूँ, ये सब सही से लगता है। एंड ये आप देख सकते हैं दूसरी, मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट चूड़ी है, इसमें सिर्फ आपको चूड़ियाँ दिखेंगी। तो ये है चूड़ियाँ, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये है एक साड़ी का सेट, ये भी है साड़ी का सेट, ग्रीन कलर, ये भी है साड़ी का सेट, पिंक भी साड़ी का सेट। ये मैंने होली पे पहना था, आप सबने देखा होगा वीडियो। एंड बस मुझे इतना ही पता है, मैं आप सबको कलर दिखा दे रही हूँ। कलर के हिसाब से मैं कोई भी फर्स्ट में चूड़ी डाल लेती हूँ, बीच में चूड़ी डाल लेती हूँ, एक कड़ा डाल लेती हूँ, बात खत्म। मैं बस इसी पहनती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरी चूड़ियाँ। तो ये है कांच की चूड़ियाँ, इसमें कांच है। एंड बस मुझे पसंद है, मैं पहन लेती हूँ, और ज़्यादा मुझे नहीं पता। ये मेरी शादी की, मैंने शादी में पहना था जो ये है, ये मैंने शादी में अपने वेयर किया था। कड़ा, क्या बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, सॉरी चूड़ा बोलते हैं, कड़ा तो ये है, ये चूड़ा है और ये कड़ा है। तो ये देख लीजिए आप सब, तो ये एक बॉक्स हो गया। अब मैं ओपन करती हूँ अपना सेकेंड बॉक्स। ओह गॉड, सो गाइस ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, सुमन ने, थैंक यू सो मच सुमन, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और गाइस ये एक इसकी एक कहानी मैं बताती हूँ आपको। उसने बनारस से ख़रीदा था, क्योंकि वो बनारस में रहती हैं, तो उन्होंने ख़रीदा था वहाँ से, तो मुझे बहुत पसंद था, वो मुझे दी थी, मैं साथ में लेते आई। एंड एक क्या दुर्घटना या फिर दुर्घटना मतलब दुर्घटना नहीं सॉरी एक घटना हुई हमारे साथ। क्या हुआ कि बाई चांस मम्मी भी शॉपिंग बनारस से की थी, उन्होंने बनारस से ही खरीदा था, तो उन्होंने जिस शॉप से लिया था वो शॉप को तो मैं नहीं बता सकती कि कहाँ से उन्होंने लिया था और मेरी फ्रेंड ने कहाँ से लिया था, बट मम्मी ने जो मुझे मेकअप किट वाला जो बॉक्स देते हैं ना, सेम यही है, इसका सेट है। तो खुद ना लिखा रहता है कि तुम्हारे भाग में दोनों रहेगा, तो मुझे वो भी मिल गया और ये भी मिल गया, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सेम यही वाला वो मेरा सेट है, बिल्कुल कलर यही, यही सब कुछ डिजाइन। तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। सो गाइस ये है मेरी डेली वेयर की चूड़ियाँ, और डेली वेयर मैं ये इसे वेयर करती हूँ। आप सबको तो पता होगा कि मैं डेली वेयर क्या पहनती हूँ, बिकॉज वीडियो तो मेरी डेली आती है। एंड आप सबको पता है कि मैं सिर्फ तेजी से कड़ा है, मैं कड़ा डाल लेती हूँ, अगर चूड़ी डाल लेती हूँ वही मेरी काफ़ी है, एंड उससे ख़त्म भी नहीं होती है। तो बट है तो क्या करें, रखा रहेगा, जब तक चलेगा तब तक पहनूंगी। तो ये है मेरी डेली वेयर की चूड़ियाँ, और कलर आप देख लें, एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो ये हो गई, और ये मैं दिखा देना चाहती हूँ, ये है कुछ, इसको मैंने बहुत पहना है, जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाले को मैंने बहुत पहना है। ये ग्रीन वाला, इसको अभी पता मैंने नहीं पहना है, ये रेड है, एंड ये पता नहीं कौन कौन सी कलर है सारी। इस चूड़े का मेरा सेट है, मैं कुछ भी पाती हूँ तो इसमें सब इकट्ठा करके, हर एक मल्टी कलर कुछ भी पाती हूँ मैं चूड़ी को रख देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरा एक खोया हुआ है, मुझे कभी ना कभी काम पड़ेगा। तो मैंने देखिए इसको मैंने इकट्ठा करके रखा था, अब मुझे काम देगा, मैं अपने चूड़े में सेट लगा लूँगी, जैसे कि इसमें है। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, और मैं इसका कभी भी चूड़ी फेंकती नहीं हूँ, अगर एक हाथ की चूड़ी फूट भी जाए तो मैं एक चूड़ी को फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे रख देती हूँ, आज नहीं तो कल वो काम देगा ही। एंड कहते हैं ना कि सुहाग का जो निशानी होता है चूड़ी वगैरह को फेंकते नहीं है, तो इसीलिए मेरी ये सारी खराब खराब चूड़ियाँ आप सबको दिख रही होंगी, ज़्यादा यूज़ में है ये, ज़्यादा यूज किया हुआ, ये इतना सारी चूड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा यूज की हैं, जब तक से शादी हुई है तब तक से मैं यूज़ ही कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं चूड़ी को फेंकती नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं चूड़ी। एंड ये मैं दिखा रही हूँ कड़ा, कड़ा को मैंने बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा पहना है, इसलिए इसकी कलर बहुत डाउन हो गई है, आप देखिए ध्यान से। तो इस कड़े को मैंने बहुत पहना है, इस कड़े को मम्मी ने बहुत पहना है, और इस कड़े को भी पहना हुआ है, सारे जितने भी कड़े इसमें हैं ना, सारे को सारे मैंने बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, तो इस कलर से, इस कारण इसका कलर थोड़ा डाउन हो गया है, बट मुझे बहुत पसंद आता है, अभी भी मेरा मन करता है तो मैं एक एक कलर डाल लेती हूँ, ये सारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इन सबके सारे कलर सारे छूट गए हैं कलर से, बट बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे कड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि कड़ा पहन लो तो चूड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एंड काम करने में बहुत अच्छा जल्दी हो जाता है। एंड चूड़ी पहनते हैं तो मुझे दिक्कत होती है कि थोड़ा ध्यान से करना होता है ना, तो ये रहा मेरा कड़ा, एंड ये भी मैंने आप सबको दिखा दिया। एंड अब मैं दिखा रही हूँ एक मेरा जो यहाँ से चुनरी चढ़ा था तो उसका सेट मिल गया था, तो ये है,
इसको सेट लगाना है। मैं आपको बताई ना कि सेट लगा के मैं नहीं रखती हूँ। ये एक हाथ का है, ये भी बहुत प्यार लगता है। इसकी जो कड़े हैं बहुत हैवी हैवी हैं, कुछ इस टाइप के हैं। तो ये कड़ा है और इसमें सारी चूड़ियाँ हैं, सारी के सारे इसी की चूड़ियाँ हैं ये। तो मैं इसको इसमें रखती हूँ, बंद ही नहीं होता ये। अब रहा मेरा फाइनल लास्ट चूड़ी। इसको मैंने क्या किया है गाइस, ये इस कलर की मेरी साड़ी है, स्काई ब्लू कलर की मेरे पास एक साड़ी है। तो क्या है कि आसमानी कलर में एक साड़ी है मेरे पास, तो उसका एक सेट मम्मी लेके आई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मम्मी ने जब सेट लगाने चूड़ी गई थी तो उनके चूड़ी में कड़े के साथ उन्होंने इस चूड़ी को लगा के दे दिया था। तो मेरे पास ज़्यादा इकट्ठे हो गए, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया हुआ है। और इस चूड़ी को मैंने बहुत पहना है। पापा गए थे बोलबम जाते हैं ना शंकर जी के लिए, तो वहाँ से सावन में लेके आए थे मेरे लिए, तो मैंने इसको बहुत पहना है। ग्रीन वाले को ये भी पहनी हूँ, ये नहीं पहनती हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है मेरा कुछ चूड़ी, ये रहा मेरा फाइनल 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 चूड़ी। तो ये सारे कलेक्शन ख़त्म हो गए और सारे बेड में, तो मैं बेड ऑलरेडी मैं खोली हुई हूँ, आप सबको दिख रहा होगा। एंड दोबारा मैं सेकेंड जो पार्ट होता है ना बेड का, दूसरा बॉक्स, उसमें रखी हूँ, तो मैं ओपन नहीं करना चाहती हूँ। और इतने में मैं बहुत थक गई हूँ यार, बिकॉज आज मैंने दो दो वीडियो शूट किए हैं, कुछ रील्स भी बनाए हैं अपने मनीषा और रानी पे। तो गाइस चलिए, आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड मेरे चूड़े पसंद आए हों। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्लीज़ दबा लें। एंड गाइज आप सबसे एक बात शेयर करनी थी कि आप प्लीज़ आप सब कमेंट में बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, आप सब बता दो, बिकॉज मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ, दिन भर सोचती हूँ कि आज वीडियो किस पर बनाऊँगी वीडियो किस पर बनाऊँगी। लेकिन आप सब बता देंगे कि आपको अभी मेरे क्या मतलब शेयर करना है, क्या देखना है, तो फिर मैं आप सबको बनाऊँगी। और ये मेरा मेकअप बिल्कुल डाउन हो रहा है यार। सो गाइज चलिए वीडियो के पे एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।